दोस्तों, अगर आप एक माइनर हैं यानी आपकी उम्र 18 साल से कम है और गाइस आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक माइनर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में माइनर के लिए घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस जानने से पहले इस अकाउंट के बारे में कुछ बेनिफिट के बारे में बता दें। और गाइस, यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों, बेनिफिट के बारे में बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती है। साथ में गए जो अकाउंट ओपन करेंगे उस अकाउंट में आप जो है एक भी रुपया मेंटेन करके नहीं रखते हैं, यानी कि गए आप बिल्कुल जीरो रुपये रखते हैं, फिर भी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक किसी भी प्रकार की चार्जेस आपसे नहीं लेती है, यानी कि गए ये एक तरह से जीरो बैलेंस वाली अकाउंट है। साथ में गए जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। गई जबकि एड्रेस पे एटीएम कार्ड और चेकबुक जो है बाई पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है और गई जो पासबुक है वे आप ब्रांच से ले सकते हैं। साथ में गई इस अकाउंट के साथ आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करना जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप इन सारी ऐपों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको काफी सारी बेनिफिट इस अकाउंट के साथ देखने को मिल जाती है जो कि मैंने आगे इस वीडियो में आपको बताया है। अब भाई चलिए हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोलेंगे माइनर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको पूरी स्टेप बाई स्टेप करके पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे लाइव दिखाया है और गाइस यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट ओपन करके भी दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो गाइस यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो पंजाब नेशनल बैंक में माइनर के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस चलिए वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन माइनर अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप जो है पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जहां से आपको अपनी अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे गाइज आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल। यहाँ पे गाइज आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल पे चले जाएंगे। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू ओपन दी ऑनलाइन सेविंग अकाउंट विदाउट इन सिंगिंग फैसिलिटी। गाइज आपको जो है इसी पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही इस पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग वाले पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। यहाँ से आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिटी की ऑप्शन आती है। गाइज यहाँ पे आप किस सिटी में रहते हैं यहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको सिलेक्ट ब्रांच की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे दो ऑप्शन हो रहा है, पहला यहाँ पे डोमेस्टिक, दूसरा यहाँ पे एनआरआई। गाइज यहाँ पे आप जो है डोमेस्टिक वाले पे ही टिक रहने देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर नेम फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज आप जिस भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे उनकी कंप्लीट नेम फिल करेंगे। और गाइज यहाँ पे आपको कस्टमर मोबाइल नंबर की ऑप्शन मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं फाइनली गाइज यहाँ पे आप अपनी मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करने की ऑप्शन मिलती है। गाइज यहाँ पे आप अपनी कम्प्लीटली ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखेगा, ये पंजाब नेशनल बैंक की टर्म एंड कंडीशन होती है। आपको गाइज दोनों बॉक्स में यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है। यहाँ पे गाइज इस कैप्चा कोड को आपको जो है इस बॉक्स में फिल कर देना है। गाइज अगर एक कैप्चा कोड साफ साफ आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से गाइज आप जो है इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं और गाइज इस कैप्चा कोड को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ पे गाइज आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे आपको जो है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक TCRN नंबर सेंड किया गया होगा। फाइनली गाइज उस TCRN नंबर को आपको जो है इस बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर को जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट ऑफ टाइप का ऑप्शन आता है। गाइज यहाँ पे आप अपने अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे PNB जूनियर SF अकाउंट देखने को मिलेगा। फाइनली गाइज यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कस्टमर टाइप में आपको जो है इसे पब्लिक ही रहने देना है। उसके बाद से यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर में आपको जो है नो ही रहने देना है।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नेम की ऑप्शन आती है। गाइज यहाँ पे कम्प्लीटली आप जिस भी माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका यहाँ पे नेम फिल करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको गार्जियन नेम फिल करने के ऑप्शन आता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज उनके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे गाइज उनकी कम्प्लीटली डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से फिल कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जेंडर फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज ये मेल है या फीमेल है यहाँ पे जो भी होंगे यहाँ पे उनकी जेंडर फिल कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे माइनर का यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है। यहाँ पे गाइज क्लिक कर वे कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे उनकी कैटेगरी बताना है कि यहाँ पे वे कौन से कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद से गाइज यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है कि आप जिस भी माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं वे यहाँ पे क्या करते हैं। अगर गाइज आपकी माइनर जो है स्टूडेंट है तो यहाँ से आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पिन नंबर फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज अगर आपके पास पिन कार्ड है तो यहाँ पे पिन नंबर फिल करेंगे। दोस्तों अधिकांश केस में माइनर के पास पिन कार्ड नहीं होता है तो यहाँ पे आप जो है इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। यहाँ पे गाइज अब EID नंबर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड फिल कर लेंगे। अगर आधार कार्ड आपकी नहीं है तो यहाँ पे आप जो है इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद से नेशनलिटी का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे गाइज हम जो है अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से गाइज यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछी जा रही है तो हम जो है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पे रहने देंगे। उसके बाद से यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन मिलती है तो यहाँ पे सेल्फ ही रहने देंगे। उसके बाद से गाइज इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो भी माइनर है जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे सिटी फिल करेंगे, यहाँ पे स्टेट फिल करेंगे, यहाँ पे उनकी पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद से गाइज यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछी जाती है। अगर गाइज आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे गाइज आप जो है इस बॉक्स में टिक कर देंगे तो यहाँ पे वही एड्रेस यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर गाइज यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे गाइज आप जो है इसे ऑन टिक करेंगे और गाइज यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पूछी जा रही है। यहाँ पे गाइज आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जा रही है। यहाँ पे गाइज आपको आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना है, दोस्तों यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर गाइज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अभी आधार कार्ड अप्लाई किए हैं अभी आपको मिला नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आप जो है आधार इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आईडी नंबर में अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आप अपनी आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आईडी प्रूफ एक्सपायरी डेट में आपको कुछ नहीं फिल करना है, इसे यही छोड़ देना है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप फिर से आप अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है आप अपनी आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे। इतनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का। फाइनली गाइस यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज रेडी टू बी ओपन। यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो गई है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज विजिट टू ब्रांचेज सिलेक्ट इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी ब्रांचेज को सिलेक्ट किए हैं गाइज उस ब्रांच में आपको विजिट करनी होगी, जहाँ पे आपको अपनी ब्रांच में TCRN नंबर दिखाना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सेंड किया गया है। फाइनली गाइज उसी TCRN नंबर को वहाँ पे आपको दिखाना है। साथ में गाइज यहाँ पे आपको कलरफुल फोटो लेकर के जाना है और आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है फाइनली गाइज उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको ब्रांच विजिट करना है और गाइज यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन कर दी जाएगी। अगर गाइज आपको ब्रांच जाने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाएगा ब्रांच का। फाइनली गाइज यहाँ पे ब्रांच में कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के द्वारा अगर आपकी प्रॉब्लम को मान ली जाती है तो यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाती है। अगर गाइज नहीं मानी जाती है तो आपको जो है एक बार ब्रांच विजिट करना ही होगा। इसे भी दोस्तों आपको एक बार ब्रांच विजिट करना होगा आपको अपनी पासबुक लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ब्रांच जाएंगे और आप अपनी अकाउंट की फुल KYC करा के आप अपनी अकाउंट को सक्सेसफुल ओपन करा लेंगे और गाइज यहाँ पे इंस्टेंट आपको पासबुक अकाउंट नंबर ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। और गाइज जो आपके ATM कार्ड और चेकबुक जो है वे आपके एड्रेस पे 1 वीक के अंदर यहाँ पे होम डिलीवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है पंजाब नेशनल बैंक में माइनर अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।